हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल डब्ल्यू वी फ्री मैथ सोल्यूशन। माय नेम इज स्नेहा गिरी। ओके, वी आर कंटिन्यूइंग चैप्टर 10, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि, एंड हैव कंप्लीटेड अप टू क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 10.1। ओके, नाउ आई हैव टेकन योर क्वेश्चन नंबर 11 एंड वी विल डू एटलीस्ट 5 क्वेश्चन इन दिस वीडियो, सो वॉच द फुल वीडियो विदाउट स्किपिंग। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 11। देर इज अ लॉस ऑफ 4% सेलिंग of 12 commodities at the rate 1%. To make 44% profit, how many commodities has to be sold at rupees 1? Okay, then question क्या कह रहा है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। देर इज अ लॉस ऑफ 4% में सेलिंग ऑफ 12 कॉमोडिटीज एट द रुपीज 1। 1 रुपया में 12 कॉमोडिटीज बेचने पे हमें 4% का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो पहले इस लाइन को लेकर चलते हैं। क्या कहेंगे, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्राइस ऑफ, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 कॉमोडिटीज इज इक्वल्स टू 1 रुपीज। ठीक है, 12 सामान का दाम कितना है, 1 रुपया है। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 कॉमोडिटी का कितना हो जाएगा, 1/12 रुपीज, सॉरी 1/12 रुपीज। ठीक है, अब ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 कॉमोडिटी, ठीक है, कितना आ गया, 1/12 रुपीज सेलिंग प्राइस आ गया। लॉस हमारे पास है 4%। ठीक है, तो अगर लॉस है और एसपी हमारे पास था, हम यहाँ से उसका कितना प्राइस था, उस कमोडिटी का कितना प्राइस था, लेकिन वो कमोडिटी एक की मात्रा में, एक ही कमोडिटीज है वो। ठीक है, हम एक को लेकर चलते हैं। तो किसी एक कमोडिटीज का कितना प्राइस था वो हम निकालेंगे। सीपी, सीपी इज इक्वल टू क्या होता है, 100 बाय 100 माइनस एल, दैट इज 100 माइनस एल, यहाँ पे 4% है, मल्टीप्लाई एसपी, एसपी कितना है, 1/12। तो कितना आ जाएगा, 100 बाय 96 मल्टीप्लाई 1/12 रुपीज। तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया है कि उस एक कॉमोडिटीज, एक किसी सामान का दाम कितना है, इतना रुपया। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टू मेक 44% प्रॉफिट हाउ मेनी कॉमोडिटीज हैज टू बी सोल्ड। मतलब कि अगर 44% का प्रॉफिट चाहिए तो कितने कॉमोडिटीज को हमें सोल्ड करना होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, नाउ प्रॉफिट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे नाउ इफ, इफ प्रॉफिट पी इज इक्वल टू 44% एंड सीपी हमारे पास पहले से है, सीपी इज इक्वल टू 100 बाय 96 मल्टीप्लाई 1/12 रुपीज, देन यहां से हम क्या निकालेंगे, एसपी। अब उसको बेचते हैं, अगर ये 44% का फायदा चाहिए तो हमें इस सामान को बेचना होगा, तो निकालेंगे क्या, एसपी। एसपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 प्लस 44, ठीक है, 100 प्लस P/100 होता है, मल्टीप्लाई सीपी, सीपी क्या है, 100 बाय 96 मल्टीप्लाई 1/12। अब इसे सॉल्व करते हैं, 144 बाय 100 मल्टीप्लाई 100 बाय 96 मल्टीप्लाई 1/12। अब इस 100 से ये 100 गया, ठीक है, 96 है ना ये, और 12 12 144 होता है, और ये 12 8 96, तो कितना आया, 1/8, मतलब 1/8 रुपीज क्या आ गया, एसपी आ गया। ओके, तो ये सेलिंग प्राइस हम 1 लेके चल रहे थे ना, 1/12, 1 आर्टिकल, 1 कॉमोडिटीज, तो क्या आ गया, एसपी ऑफ 1 आर्टिकल, 1 आर्टिकल या 1 कॉमोडिटीज आप लिख सकते हैं, कितना, 1/8 रुपीज। देन सेलिंग प्राइस ऑफ, अच्छा इसे हम घुमाकर लिखते हैं, ठीक है, इसे हम घुमाकर लिखते हैं, क्योंकि हमें 1 रुपया में ही बेचना है, सोल्ड एट रुपीज 1। ओके, तो हम रुपीज लेकर चलते हैं, ठीक है, लिखेंगे कि एसपी 1/8, 1/8 रुपीज इज अ एसपी ऑफ 1 आर्टिकल, क्योंकि हमें आर्टिकल निकालना है। ठीक है, मतलब हमें सामान निकालना है, या कमोडिटीज, आप देखो जो बुक में दिया है, कमोडिटीज, कमोडिटी एसपी 1/8, चूंकि 1/8 रुपीज इज एसपी ऑफ 1 कमोडिटीज, देन 1 रुपीज में, 1 रुपीज में हमें कितने कमोडिटीज मिल जाएंगे, 1 डिवाइडेड 1/8, इसको डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 8/1, दैट इज 8 कमोडिटीज। तो आंसर कितना आ गया, 8 कमोडिटीज। यही हमें निकालना था कि 1 रुपया में, मतलब इस 1 रुपया में कितने कमोडिटीज मिलेंगे, बेचे जाएंगे, ठीक है, 44% का फायदा करने के लिए, तो 8 कमोडिटीज बेचे जाएंगे। इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इजी है, टफ नहीं है बिल्कुल भी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा आसान है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 12 इज हियर, बाय प्रोड्यूसिंग टू साड़ीज, वन साड़ी सोल्ड एट 15% की प्रॉफिट एंड अनदर साड़ी सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, शी मेड, मतलब कोई आंटी है, शी मेड अ टोटल प्रॉफिट 262.50 रुपीज। इफ द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट इज 1:3, देन व्हाट इज द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ टू साइज, मतलब कि प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब सीपी दिया हुआ है दोनों साड़ी का अलग अलग, लेकिन रेशियो में 1:3 सीपी हमारे पास है और प्रॉफिट दिया है फर्स्ट साड़ी का 15%, सेकेंड प्राइस को 20%, तो बोल रहा है, और टोटल प्रॉफिट भी है हमारे पास, ठीक है, तो बोल रहा है कि एक्चुअल जो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट था, मतलब एक्चुअल जो सीपी था वो कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है दोनों साड़ीज का। ओके तो हमारे पास रेशियो है प्रोडक्शन कॉस्ट का, तो लिखेंगे कि सीपी ऑफ टू साड़ीज साड़ीज इज इक्वल टू 1:3, तो लिखेंगे लेट सीपी ऑफ फर्स्ट साड़ी इज इक्वल टू एक्स, लेट कर रहे हैं ठीक है, एंड सेकेंड साड़ी इज इक्वल टू 3x, सीपी हमने एक्स और 3x मान लिया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या दे रहा है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम कि सोल्ड एट 15%, वन साड़ी सोल्ड एट 15% की प्रॉफिट पे उसको बेच रहा है, तो प्रॉफिट हमारा यहाँ से निकल जाएगा कि इसी पे 15% का फायदा हो रहा है, एक्स ऑफ फायदा कितना हो रहा है, 15% का फायदा हो रहा है ऑफ एक्स, एक्स पे 15% का फायदा हो रहा है एंड 20% का फायदा हो रहा है अनदर साड़ी मतलब कि 3x पे, तो कितना हो जाएगा यहाँ प्रॉफिट, कितना 20%, 20% ऑफ 3x, हम दोनों का निकालेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा एक्स बाई 15x बाई 100, यहाँ हो जाएगा कितना 20 into 3x बाई 100, ओके ये परसेंटेज नीचे आके 100 हो जाता है। ओके तो इतना हमारा प्रॉफिट हुआ एंड टोटल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 262.50 रुपीज, ठीक है, हम टोटल प्रॉफिट ऐड कर देंगे दोनों को, दैट इज 15x बाई 100 प्लस 23 से कितना हो जाएगा 60x बाई 100 इज इक्वल टू 262.50, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमें सिंपली सॉल्व कर देना है। ओके दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये ऐड कर नीचे सेम है तो ऐड हो जाएगा 75x बाई 100 इज इक्वल टू 262.50, ठीक है। इसके बाद फिर 75x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट अपने आप हट जाएगा 262.50, ठीक है, 262.50 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से हम निकालेंगे x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 262.50 बाई 75, इतना हो गया, इसे हम काटेंगे तो काट छाट के आपका आ जाएगा कितना 350, 350 आ गया x की वैल्यू, ठीक है। तो हमें पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ टू साड़ीज, मतलब दोनों साड़ी का अलग अलग प्रोडक्शन कॉस्ट हमें निकालना है, बट हमारे पास x की वैल्यू आई है, हमें क्या निकालना है 1:3, मतलब x भी निकालना है और 3x भी निकालना है। ओके तो हम लिखेंगे कि प्रोडक्शन कॉस्ट दिख रहा है, हाँ प्रोडक्शन कॉस्ट कॉस्ट ऑफ फर्स्ट साड़ी इज इक्वल टू 350, क्योंकि ये x था और यहाँ पे 3x है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेकेंड साड़ी 3x था तो 3 × 350, ठीक है, 1050 रुपीज, ये आएगा आंसर, सॉरी दिख नहीं रहा था, फिर से बताती हूँ, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ फर्स्ट साड़ी 350 एंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेकंड साड़ी कितना था 3x था, तो x की जगह फिर 350 पुट कर दिया हमने, मल्टीप्लाई करके 1050 रुपीज, इसी तरह आपका इन दोनों का आंसर आ गया, यही दोनों आंसर है आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमने सॉल्व कर दिया, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ओके स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13, अ मैन बॉट सम टॉफी एट द रेट 2 for 15 pieces, ठीक है, मतलब 2 रुपए में 15 पीसेस वो टॉफी खरीदता है, ही सोल्ड हाफ ऑफ द टॉफी एट द रेट 5 रुपीज पर पीस, मतलब उसमें से हाफ ऑफ द टॉफी को क्या करता है, 5 रुपीज पर टॉफी
के हिसाब से उसको बेच देता है, मतलब कि एक टॉफी का दाम 5-5 रुपए के हिसाब से बेच देता है, एंड रिमेनिंग हाफ ऑफ द टॉफी को क्या करता है, सोल्ड एट 10 रुपीज पर पीसेस, ठीक है। देन व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर दैट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस कितना होता है, या तो प्रॉफिट हो या लॉस हो कितना परसेंटेज का होता है, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले पर पीसेस यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 2 रुपीज में 15 पीसेस मिल रहा है, तो इससे हम क्या करेंगे कि 1 रुपीज में कितना पीस मिलेगा ये निकालेंगे। लेकिन हमें कितना वो खरीदा था, बॉट सम टॉफीज, कितना टॉफी खरीदा था ये हमें पता नहीं है, तो हम उसे क्या कर लेंगे, एक्स मान लेंगे कि लेट द टोटल नंबर ऑफ टॉफीज ही बॉट इज इक्वल्स टू एक्स। ओके ओके, तो हमने क्या मान लिया, लेट द टोटल नंबर ऑफ टॉफीज ही बॉट एक्स, एक्स ना एक्स टोटल उसने टॉफी खरीदा था, लेकिन उसका एक्चुअली कितने रेट में खरीदा था, 2 रुपए में 15 पीसेस खरीद लिया था, तो 1 रुपीज में कितना खरीदेगा ये पहले हम निकालते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सीपी ऑफ 15 टॉफीज इज इक्वल टू 2 रुपीज, ये था। देन दैट इज सीपी ऑफ 1 टॉफी कितना हो जाएगा, 2 बाय 15 रुपीज, ठीक है। अब हमें टोटल नंबर ऑफ, हमने कितना खरीदा था एक्स, उसने कितना खरीदा था एक्स, तो एक्स का कितना दाम में मिलेगा, कितने में खरीदा था वो एक्स टॉफी को, कितने में हो जाएगा, 2x/15 रुपीज, इतने में उसने खरीदा था, इतने रुपीज में एक्स टॉफी खरीदा था, लेकिन एक्स कितना है ये हमें नहीं पता है। अब उसने जब बेचा, ठीक है, ही सोल्ड हाफ ऑफ द टॉफी एट द रेट 5 रुपीज पर टॉफी, ठीक है, 1 रुपया में उसने 5 टॉफी को बेच दिया, तो क्या होगा, नाउ एसपी ऑफ 5 टॉफीज इज इक्वल टू ₹1, ठीक है। देन एसपी ऑफ 1 रुपीज 1 टॉफी, एक टॉफी को, क्योंकि हम एक लेकर ही चलते हैं और हमें लास्टली एक्स लेकर चलना है, तो 1 टॉफी को उसने कितने में बेचा होगा, 1/5 रुपीज, है ना। अब उसके पास क्या है, लास्ट में बोल रहा है कि हाफ ऑफ द टॉफी एट द रेट 5 रुपीज पर, मतलब कि अपने जो टॉफी उसने खरीदा था एक्स था, उसका हाफ उसने 5 रुपए के हिसाब से, 1 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दिया, तो एसपी ऑफ हाफ ऑफ टॉफी, टॉफी पूरा एक्स था, उसका हाफ ऑफ टॉफी वो कितने में बेचेगा, मतलब कि 1/5 × x/2, दैट इज कितना आ गया, x/10 रुपीज में उसने बेचा था, ठीक है। और रिमेनिंग हाफ को वो 10 रुपीज, एंड द रिमेनिंग हाफ एट द रेट 10 रुपीज पर पीसेस, ठीक है। नाउ नाउ लिखेंगे कि एसपी ऑफ 10 टॉफीज, 10 टॉफीज इज इक्वल टू ₹1, ठीक है, 10 रुपया, क्योंकि 10 रुपीज पर पीस है ना, तो 10 रुपीज में एक रुपया में 10 टॉफी मिलता है, तो 1 रुपया में 1 टॉफी कितने में मिलेगा, 1/10 में मिलेगा, तो हाफ ऑफ उसने बेचा था ना, तो हाफ कितने में बेचा था उसने, x/2 कितने में बेचेगा, 1/10 × x/2, दैट इज x/20, ठीक है, तो उसने रिमेनिंग हाफ कितने में बेच दिया, x/20 रुपीज में। ओके, देन सेलिंग प्राइस ऑफ हाफ टॉफी भी आ गया, सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग हाफ भी आ गया, अब इन दोनों हाफ ऑफ को ऐड कर लेंगे, देन एसपी ऑफ टोटल टॉफीज कितना हो जाएगा, टोटल टॉफी इज इक्वल टू ये 1/10 + x/20 रुपीज, दोनों को ऐड कर लेंगे, 20 कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन वाला ऐड है, 2x + x/20, दैट इज कितना हो गया, 3x/20 रुपीज, कितना हो गया, 3x/20 रुपीज एसपी ऑफ टोटल रुपीज। तो हमारे पास सीपी है पहले से, ठीक है, 2x/15 और एसपी है 3x/20, यहां से हमें प्रॉफिट निकाल लेंगे। ओके ओके, देन हमारे पास अब सीपी भी है और एसपी भी है, तो हम यहां से प्रॉफिट निकालते हैं, पी इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी होता है, दैट इज एसपी कितना है, 3x/20 − x/10, अब इन दोनों को माइनस करते हैं, तो 20 और 10 का एलसीएम भी 10 हो जाएगा, सॉरी x/10 नहीं था, 2x/15, आई एम सो सॉरी, 2x/15 ये है ना, है? ये है 2x/15, सॉरी 20 और 15 का एलसीएम ले लेंगे, तो आपका 60 हो जाएगा, आप इसको करके देख लेना, आपका आ जाएगा x/60, ठीक है, प्रॉफिट प्रॉफिट आ गया। अब हमें परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना है, परसेंटेज ऑफ पी इज इक्वल टू क्या होता है,
पी बाई सी पी एक्स बाई सिक्सटी बाई सी पी कितना है, 2x/15, ठीक है, 2x/15 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, दैट इज एक्स बाई सिक्सटी मल्टीप्लाई 15 ऊपर जाएगा, 2x नीचे मल्टीप्लाई 100, ठीक है, तो यहां से एक्स कट गया, 15 फोर जा 60, और फोर से फोर से इसको काटो तो आ गया 25, 25/2, ठीक है, तो 25/2%, इसका मतलब इसे हम फ्रैक्शन में लिखें तो 12 whole 1/2%, इतने का उसे फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल प्रॉफिट उसका हुआ 12 whole 1/2%, इतना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, मैंने कोशिश किया है कि जितना इजी वे हो आप लोगों को समझाऊं। और देखो आप ध्यान से, यहाँ पे सीपी आया था आपका एक्स टॉफी का, क्योंकि हमने टोटल टॉफी एक्स माना था, फिर हमारा हाफ ऑफ द टॉफी का एसपी आया है यहाँ पे x/10, फिर हाफ का आया है x/20, दोनों को ऐड कर लिया, उसके बाद सीपी माइनस एसपी करके पी निकाल लिया, पी से परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकाल लिया, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव करते हैं हम। 14 में क्या बोल रहा है कि अफसर चाचा मेड टू वुडन चेयर्स, अफसर चाचा ने दो वुडन चेयर बनाया, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, इतना मेरे पास स्पेस नहीं है और टाइम भी नहीं है। विद द सेम प्राइस, सेम प्राइस का दो वुडन चेयर बनाया है, पुट द मार्केट प्राइस ऑन ईच, ठीक है, उन्होंने सब दोनों पे अलग अलग मार्केट प्राइस 1250 मतलब कि 1250 दोनों पे मार्केट प्राइस लगा दिया है, ठीक है, वो जो स्टिकर लगाता है ना एमआरपी का वो लगाया उन्होंने। एंड ही मेड द प्रॉफिट 15% बाय सेलिंग वन चेयर, 15% का फायदा होता है उनको एक चेयर बेचने पे, एंड 8% डिस्काउंट, और 8% डिस्काउंट भी दे देते हैं मार्केट प्राइस पे, ठीक है। इफ ही सोल्ड सेकेंड चेयर 1120 रुपीज, ठीक है, 11 मतलब कि 1120 रुपीज में उन्होंने सेकेंड चेयर अगर बेचा हो तो कैलकुलेट द प्रॉफिट, तो उन्होंने ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। मार्केट प्राइस उन्होंने इतना का टैग लगा दिया है 12,1250 का, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे आंसर में, मार्केट प्राइस प्राइस ऑफ ईच चेयर, ईच मतलब दोनों का अलग अलग, ईच चेयर प्रत्येक चेयर इज इक्वल टू 1250 रुपीज, इतना उन्होंने मार्केट प्राइस का स्टिकर लगा दिया है। एंड डिस्काउंट फर्स्ट चेयर पे कितना दे रहे हैं, डिस्काउंट ऑन फर्स्ट चेयर, फर्स्ट चेयर को उन्होंने डिस्काउंट कितना दिया था, दिया है 8% का, ठीक है। डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस फर्स्ट चेयर का कितना हो जाएगा, एसपी ऑफ फर्स्ट चेयर कितना हो जाएगा 1250, इसी पे उन्होंने डिस्काउंट दिया 8% का, तो इसी पे हम 8% डिस्काउंट निकालेंगे, ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जीरो से जीरो गया और ये हो जाएगा आपका 5 2 10, एंड 5 से ये हो गया 5 2 10 और ये 25, 2 से इसको कट करो तो 2 4 जा, मतलब कि 24 4 25 4 100 रुपीज का उन्होंने डिस्काउंट दे दिया, मतलब कि 100 रुपये उन्होंने कम कर दिया। तो अब नाउ एसपी कितना हो जाएगा, ठीक है, एसपी अब डिस्काउंट तो उन्होंने दिया, सॉरी यहाँ पर डिस्काउंट लिखना चाहिए था, डिस्काउंट ऑफ फर्स्ट ईयर इज 100 रुपीज, तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका फर्स्ट ईयर का, ठीक है, एसपी ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर कितने में उन्होंने बेचा था एक्चुअली में, आपका मार्केट प्राइस कितना था 1250 रुपीज और उन्होंने डिस्काउंट कितने दे दिया 100 रुपये माइनस कर दिया, तो कितना हमारा एसपी हो जाएगा 1150 रुपीज, इतना रुपया उन्होंने फर्स्ट ईयर को बेचा है, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस अब यहां से हम निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों चेयर तो सेम प्राइस का था, तो यहां से हम सीपी निकालेंगे, सीपी सीपी ऑफ चेयर निकालेंगे, सीपी ऑफ चेयर एज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सीपी कैसे निकालते हैं, 100 बाय 100 बाय प्रॉफिट, प्रॉफिट हमारे पास 15% यहां पे लिख देते हैं, पी इज इक्वल टू 15%, ठीक है, व्हेन पी इज इक्वल टू 15% देन सीपी ऑफ चेयर 100 बाय 100 प्लस 15 मल्टीप्लाई एसपी, एसपी है हमारे पास 1150, ये फर्स्ट ईयर का है, ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं 100 बाय 115 मल्टीप्लाई 1150, इसको कट करेंगे तो ये 10 टाइम्स में कट जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 1000 रुपीज, ठीक है,
तो हमारा यहाँ से कितने में उनका कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा ये हमने निकाल लिया 100। तो उनका सेम दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम ही पड़ा था, है ना, उन्होंने खुद से ही बनाया था। तो ये 1000 का अगर एक चेयर पे उनको खर्चा पड़ रहा है तो सेकेंड चेयर पे कितना पड़ेगा, वो भी 1000 पड़ेगा। तो लिखेंगे कि कॉस्ट प्राइस सीपी ऑफ बोथ चेयर्स इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई टू, दैट इज 2000 रुपीज। ठीक है, 2000 रुपीज उसका सीपी आ गया। अब सेलिंग प्राइस, ये तो हमारा सीपी आ गया, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ चेयर कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हमारा आ गया है कितना, 1150 आया था ना फर्स्ट चेयर का, 1150, और सेकेंड चेयर का सेलिंग प्राइस दे दिया है इतना 1120 प्लस 1120, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2270 रुपीज। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ चेयर का आ गया 2270, कॉस्ट प्राइस भी हमारे पास आ गया है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, प्रॉफिट, देन प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2270 माइनस 2000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 270 रुपीज, है ना, 270 रुपीज क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। अब जब प्रॉफिट 270 आ गया तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी निकालेंगे, ओवरऑल कितना उन्हें प्रॉफिट हो रहा है ये पूछ रहा था। तो ये क्या होता है, पी बाई सी पी, 270 बाई सी पी कितना है 2000, सॉरी सी पी, हाँ सी पी है 2000 मल्टीप्लाई 100। अब ये 20 से ये 20, 10 से 10, ये आप क्या हो गया 27/2, 27/2 दैट इज 13.12%, इतना उन्हें ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है। ओके, होप आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको 2-3 बार देखिए, बार बार देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 है, द मार्केट प्राइस ऑफ ए स्पेशल टाइप पेन इज 36.50 रुपीज। ओके, एंड बाय सेलिंग द पेन टू शुभम विद द डिस्काउंट 2.90, शुभम को 2.90 का डिस्काउंट मिलने के बाद ही मेक्स अ प्रॉफिट 12%। रफीक चाचा जो भी चाचा है उन्होंने प्रॉफिट कितना कमाते हैं, ही मेक्स प्रॉफिट 12%, मतलब कि इतना डिस्काउंट देने के बाद भी उन्हें 12% का फायदा हो जाता है। इफ ही सोल्ड द सेम टाइप ऑफ पेन, मतलब सेम टाइप मतलब कि सेलिंग प्राइस उसका मार्केट प्राइस सेम ही होगा, सेम टाइप ऑफ पेन टू द मीता, सेकंड पेन है ये, एट 34.50 रुपीज, अगर उन्होंने इतना रुपया में बेचा हो, द फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ सेकंड पेन, तो उन्होंने उनका कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हुआ है सेकंड पेन पे, ये हमें पता करना है। यहाँ पे हमें समझने वाली बात ये है कि कॉस्ट प्राइस बोथ पेन का सेम होगा, मतलब कि उनका जो उन्होंने जो खरीदा होगा वो सेम ही प्राइस में खरीदा होगा दोनों को, क्योंकि सेम टाइप ऑफ पेन है। पहले पेन को उन्होंने इतने में बेचा है 12% का प्रॉफिट पे, दूसरे पेन को उन्होंने इतने में बेचा है, तो सेकेंड पे उनको कितना फायदा होता है ये हमें निकालना है। तो हमें पहले क्या करना होगा कि फर्स्ट पेन पे जो कॉस्ट प्राइस है ये निकालेंगे, तो हमें सेकेंड पेन का भी सारा कुछ हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो पहले फर्स्ट पेन का हमें सीपी निकालना होगा। ओके, देन सेलिंग प्राइस ऑफ पेन इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, मार्केट प्राइस कितना है 36.50 एंड डिस्काउंट कितना दे रहा है 2.90 का, 2.90 का उसने डिस्काउंट दे दिया, तो अब उसका सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट पेन कितना हो जाएगा 33.60 रुपीज, इतना रुपीज का सेलिंग प्राइस उसने दिया, मतलब कि सेलिंग प्राइस ऑफ द पेन फर्स्ट पेन का है, एंड ऑल्सो प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट पेन भी दे दिया है, पी इज इक्वल्स टू कितना है 12%। तो यहाँ से हमें सीपी आराम से निकालेंगे, सीपी इज इक्वल्स टू क्या होता है, सीपी इज इक्वल्स टू 100 बाई 100 प्लस पी, दैट इज 112 मल्टीप्लाई एसपी, एसपी है 33.60। ठीक है, इसे हम कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करने के बाद आपका आ जाएगा 30 रुपीज, सीपी आ गया 30 रुपीज, मतलब पेन का सीपी आ गया 30 रुपीज। अब वो सेम टाइप ऑफ पेन है एज दी सेकेंड पेन इज सेम एज फर्स्ट पेन। ठीक है, देन सीपी ऑफ सेकेंड पेन कितना हो जाएगा 30 रुपीज ही होगा, दोनों सेम है तो सीपी ऑफ सेकेंड पेन 30 रुपीज आया है हमारे पास, एंड ऑल्सो कितने में बेच रहा है एसपी है हमारे पास, एसपी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है सेकेंड पेन का, एसपी ऑफ सेकेंड पेन इज इक्वल टू 34.50, इतना रुपीज है। यहां से हम निकालेंगे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी 34.50 माइनस 30 रुपीज, ठीक है, दोनों को माइनस करते हैं आ जाएगा आपका 4.50 रुपीज, मतलब कि
₹4.5 का उसको फायदा होता है सेकंड पेन पे। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट तो पी बाई सी पी होता है 4.50 by 30 × 100। ठीक है, यहां से आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा कितना, 15% का। मतलब कि सेकेंड वाले पे उसे और भी ज्यादा फायदा हो रहा है 15% का। फर्स्ट वाले पे तो उसे 12% का ही प्रॉफिट हुआ था, लेकिन सेकेंड वाले पे उसको 15% का फायदा हो रहा है। तो ये आपका आंसर हो गया। यही पूछ रहा था कि व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सेकेंड पे। ठीक है, तो इसी के साथ हम यहाँ पे खत्म करते हैं एक्सरसाइज 10.1 का अप टू क्वेश्चन नंबर 15 तक। नेक्स्ट वीडियो में आगे की तरफ मूव करेंगे और हो सके तो चैप्टर जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे। आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक एक ईच एंड एवरी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, समझिए, और अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। ओके, तब तक लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय।